लिया कैबिनेट के जरिए कि हालांकि मध्य प्रदेश में है, उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां जो है नहीं, दो बच्चे हैं उस अगर हैं तो उसके बाद नहीं। देखिए बहुत सारी चिल्ला चिल्ली हो गई, मैं थोड़े आंकड़े रख दूं। 132 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत की जनसंख्या जो विश्व में दूसरे नंबर पे है और 2022 तक अपन नंबर वन हो जाएंगे, तो कोई बहुत अच्छी गुमान की बात नहीं है। हाँ। देखिए जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, 1.19% से जो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन खनिज पेड़ कोयला उस दर से नहीं बढ़ रहा है। शांतनु, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, शांतनु ने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले 10 साल में हम नंबर वन होंगे। काहे में? वह 2022 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा होगा, ठीक है। लेकिन एक आंकड़ा और है, और वो आंकड़ा ये है कि जो भूख का इंडेक्स है वो हम 102 हैं, वो हम 102 हैं, तो अंदाजा लगाते जाइएगा क्या हम कहाँ पे खड़े हैं और कैसे खड़े। जी तो प्रतीक जी, जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन हमारी जमीन उतनी है जिसपे हम अन्न उगाएंगे उतनी है, कोयला उतना ही जमीन के नीचे, पेट्रोल उतना ही जमीन के नीचे, संसाधन उतने ही हैं। और लोग जब जब संसाधन कम होंगे और लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वाटर वॉर शुरू हो गई है, पानी की लड़ाइयां शुरू हो गई। आपने देखा है दिल्ली में सुबह जब टैंकर आता है, आप किसी भी बस्ती में चले जाए बिल्कुल क्या मार मस्ती है वहां पे। और देखिए हिंदू मुस्लिम की बात सब कर रहे हैं लेकिन मैं डेटा प्रस्तुत करूंगा, जो भारत में रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1, अगर आप 2.1 के दर से बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या उतनी रहेगी। हिंदुओं का रिप्लेसमेंट रेट है 2.13, मुस्लिम का रिप्लेसमेंट रेट है 2.6। तो मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम जो मौलवी उनको आना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर यूज है, जो भी परिवार नियोजन के तरीके हैं उनको आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने समाज को। मौलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहा जा सकता है।